20 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद की धरती पर उतरे। लेकिन ये मून मिशन पॉसिबल नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता अगर नहीं होता अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी कि AGC। यहाँ इस चित्र में अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर को दिखाया गया है और जो सोने के बर्तन की तरह दिखाई दे रहा है वही है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। और एक जो कैलकुलेटर की तरह दिखाई दे रहा है वो है इंटरफेस जिसका इस्तेमाल करके अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया जा सकता है। इस इंटरफेस को डिस्की कहा जाता है यानी कि डिस्प्ले एंड कीबोर्ड। यहाँ पर इस इंटरफेस में डिस्प्ले और कीबोर्ड एक साथ होता था और इसका इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स इस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे। तो इससे पहले कि हम लोग अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में विस्तार से बात करें, आइए थोड़ा सा अपोलो स्पेसक्राफ्ट के बारे में देखते हैं। अपोलो स्पेसक्राफ्ट के दो पार्ट्स होते थे, एक होता था लूनर मॉड्यूल और दूसरा होता था कमांड मॉड्यूल। लूनर मॉड्यूल चांद की धरती पर उतरता था जबकि कमांड मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता था। हर एक मून मिशन में दो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। एक अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर होता था लूनर मॉड्यूल में और दूसरा अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर होता था कमांड मॉड्यूल में। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल अपोलो स्पेसक्राफ्ट के गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल के लिए होता था। तो आइए हम लोग अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के वेरियस स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं और इसे कंपेयर करते हैं आज के कंप्यूटर से। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का वर्ड लेंथ 16 बिट का था, मतलब एक बार में इसका सीपीयू 16 बिट्स ऑफ मेमोरी रीड या राइट कर सकता था। अगर आप आज के कंप्यूटर को देखें तो उसका सीपीयू 64 बिट्स का होता है। तो जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम लोग चांद पर गए थे उसका वर्ड लेंथ 16 बिट था और जिस कंप्यूटर का आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वर्ड लेंथ 64 बिट का होता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी कि AGC के सारे सॉफ्टवेयर्स एक स्पेशल रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम पर स्टोर होते थे। उस समय रोम को कोर रोप मेमोरी भी कहा जाता था। कोर रोप मेमोरी वायर्स को मैग्नेटिक कोर पर बांध के बनाया जाता था। हालांकि एक छोटा सा रैम भी अवेलेबल होता था सिंपल रीड एंड राइट एप्लीकेशन के लिए जो कि रोम और सीपीयू के बीच में एक छोटे से बफर का काम करता था। एस्ट्रोनॉट्स अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर से न्यूमेरिक डिस्प्ले एंड कीबोर्ड जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में डिस्की भी कहा जाता था उससे कम्युनिकेट करते थे। एक्चुअली AGC और डिस्की दोनों को ही अर्ली 1960s में डेवलप कर दिया गया था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी कि AGC IC से बना हुआ, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ पहला कंप्यूटर था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में रैम का साइज 2048 वर्ड्स था। अब एक वर्ड में 16 बिट्स थे तो रैम का साइज हो गया लगभग 4 KB। तो सोचिए हमें आज की डेट में 4GB रैम कम पड़ता है और नासा 4KB रैम के साथ चांद पर घूम के आ गया। यहां पर रैम एक मैग्नेटिक कोर मेमोरी था जबकि रोम यानी कि कोर रोप मेमोरी का साइज 38,912 वर्ड्स का था। इसका मतलब हुआ कि 76 KB साइज का रोम हमारे पास मौजूद था। इसका प्रोसेसर भी काफी बेसिक था, डिस्क्रीट IC RTL बेस्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था और प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी 2.048 MHz थी। और आज के डेट में हमारे पर्सनल कंप्यूटर में 3 GHz तक का प्रोसेसर मिल जाता है, मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर AGC से करीब करीब 3000 गुना ज्यादा तेज है। AGC का पावर कंजम्पशन 55 वाट्स का था जबकि आज के डेट में लैपटॉप्स का पावर कंजम्पशन 60 वाट्स और डेस्कटॉप का पावर कंजम्पशन 170 वाट्स का होता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का वेट कुछ ज्यादा ही था, इसका वेट करीब करीब 32 kg था और इसका डायमेंशन 61x32x17 सेंटीमीटर क्यू था। आइए अब AGC के डिस्की इंटरफेस के बारे में थोड़ा ज्यादा विस्तार से बात करते हैं। डिस्की का मतलब डिस्प्ले एंड कीबोर्ड। इसमें इंडिकेटर लाइट्स लगे थे, न्यूमेरिक डिस्प्ले था और कैलकुलेटर स्टाइल का कीबोर्ड था। इसमें कमांड्स न्यूमेरिकली इंटर किया जाता था। इसमें दो नंबर इंटर किए जाते थे, एक नाउन के लिए मतलब कि किस डाटा पर एक्शन लेना है और दूसरा वर्ब के लिए मतलब क्या एक्शन लेना है। यहां दिखाए गए पिक्चर में आप नाउन और वर्ब को अलग अलग देख सकते हैं। यह डिस्प्ले स्पेसक्राफ्ट का करंट सिचुएशन भी बताता था। डिस्की को 2009 में एक पब्लिक ऑक्शन में बेच दिया गया। AGC के लगभग सारे सॉफ्टवेयर्स असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए थे और रोम पर स्टोर किए गए थे। इन सॉफ्टवेयर्स को बदला नहीं जा सकता था लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा भी था जो कि रैम में स्टोर होता था और उन सॉफ्टवेयर्स को रीड राइट किया जा सकता था। AGC का सॉफ्टवेयर कैसे लिखा गया इसके पीछे अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। AGC के प्रोसेसर में कुल 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे और इसके इंस्ट्रक्शन सेट में कुल 11 इंस्ट्रक्शंस थे। अगर आप AGC के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप और डिटेल में AGC के बारे में जान सकते हैं।
तो आपका क्या कहना है एजीसी यानी कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी नए कॉन्सेप्ट्स, स्टोरीज, फैक्ट्स या फिर न्यूज के साथ। तब तक के लिए